राज्यपाल की मंजूरी के बाद प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल। विधानसभा के मानसून सत्र में आज काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा की मांग को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष में हुई नोकझोंक। कांग्रेस का सदन से वॉकआउट। अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस को बीएमसी द्वारा तोड़े जाने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की आलोचना। घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। हिमाचल सरकार नहीं करेगी पुलिस अधिनियम में संशोधन। इस अधिनियम में पुलिस कर्मियों को 8 साल के अनुबंध के बाद नियमित करने का है प्रावधान। देश सहित प्रदेश में 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल आंशिक रूप से खोलने के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। प्रदेश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 7,900 के पास। 2300 के करीब मरीज उपचाराधीन। 5,500 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। कल से प्रदेश में श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे शक्तिपीठ, सिद्धपीठ, बाबा बालकनाथ मंदिर और मंदिरों के कपाट। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इन दिनों 9वीं से 12वीं कक्षाओं की आयोजित की जा रही हैं ऑनलाइन परीक्षाएं। हर घर पाठशाला कार्यक्रम के तहत 3,40,000 विद्यार्थी दे रहे हैं परीक्षाएं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा, पार्टी के सभी संगठनात्मक जिलों में बनाए जाएंगे भाजपा कार्यालय। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा शारदीय नवरात्रों में किया जाएगा शिलान्यास। प्रदेश में अगले कुछ दिनों में मौसम साफ रहने के आसार। मैदानी क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी का दौर जारी। ऊपरी क्षेत्रों में सुबह शाम के तापमान में गिरावट।